आखिर ऐसी क्या नौबत आती है कि जो प्रेस को जो है तो ओपोजिशन पे बैठना पड़ा, क्योंकि आज तक हमने देखे पार्टी बैठती है, संगठन बैठती है, लेकिन आज प्रेस को जो है तो ओपोजिशन पे बैठना पड़ा। हम ये जानना चाहते हैं कि ओपोजिशन पे क्यों बैठे हैं और इनके क्या मुद्दे हैं। सर, आप ओपोजिशन पे बैठे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे ओपोजिशन में बैठने के ये मुद्दे हैं कि हमने जिला अधिकारी साहब को जो लेटर दिया था कि 1-6 के अंदर आपने जो वहाँ पर नॉर्मी का जो रखे है वो बिल्डिंग पूरी एकदम ख़राब हो चुकी है, और हमने ये माध्यम से विभागीय कार्यालय पे भी लेटर दिया था, सबको लेटर दिया, प्रधानमंत्री साहब हमारे जो PM उनको लेटर दिया गया। ये बिल्डिंग खस्ता हो चुकी है और ये बिल्डिंग पे अगर बैठे तो कई कर्मचारी और अधिकारी की जान को खतरा है। तो हमें आश्वासन दिया गया था कि सर आपके मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और ये मुद्दों को जल्द से जल्द हल करेंगे, मगर अभी तक के हमने जो दिया था 30 तारीख को, आप देख सकते हैं लेटर 30 तारीख को हमने दिया था, मगर 30 तारीख के बाद आज 23 तारीख हो चुकी है तो भी आज तक की उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी सेफ नहीं है तो जनता को ये लोग क्या सेफ रखते हैं? जो जिला अधिकारी उदय चौधरी है हमारे पास के, उनको हमने कहा था कि भाई सर ये आपके जो कर्मचारियों को जान का धोखा है, आप उनकी सुरक्षा के लिए, कुछ प्रोटेक्शन के लिए उनकी आप काम कीजिए, बस हमें आश्वासन मिला अभी तक, मगर उनको कोई सुविधा नहीं मिली। अगर उनके जान को खतरा होता है या किसी का नुकसान होता है तो हम चाहते हैं कि अगर किसी की जान ना जाए, ऊपर वाला करे किसी की जान ना जाए उसमें, अगर जाती है तो उसके बच्चों को तुरंत नौकरी मिले, वो बच्चे यतीम होने और उनकी बेवा बीवी जो बेवा होने से बच जाए, हमारा ऑपरेशन का मुद्दा यही चाहिए। और ZP के CEO पवनीत कौर जो मैडम है उनको प्रशासन की तरफ से GR आया था, GR 20 तारीख को आया था, 20/9/2019 के, इसके अंदर कोई शिक्षक जो टीचर है टीचरों को उसके अंदर कोई ड्यूटी ना दी जाए, फिर भी पवनीत को जो मैडम है CEO जो ZP की है औरंगाबाद की, तो उन्होंने इस GR को नज़रअंदाज किया और कई टीचरों को उन्होंने तो कई माध्यम से इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया, BLO ड्यूटी में लगा दिया, और बच्चों का भविष्य ख़राब करने के अंदर ये सबसे आगे है। हम चाहते हैं कि ये शिक्षण अधिकारी और ऐसी CEO जो बच्चों का भविष्य बनाने में कामयाब नहीं हो रही है, जो बच्चों का भविष्य ख़राब कर रही है, ऐसे ज़िला परिषद के पूरे औरंगाबाद के अंदर पूरे ताल्लुके के अंदर आप जाके देखिए तो एक भी स्कूल ज़िला परिषद का सही नहीं है, कहीं पानी टपकता है, कहीं की सुविधाएं नहीं है, बच्चों को खेल कूद की सुविधा नहीं है, फिर भी वो CEO राउंड नहीं मारती है और वहाँ भ्रष्टाचार किया जाता है। और जो शिक्षण अधिकारी जयसवाल साहब है उनको भी कई बार हमने बात की है, CEO मैडम को बात की है, मगर CEO मैडम इस चीज़ के तहत तवज्जो नहीं दे रही है। तो हम PM साहब, हमारी जो सरकार है अभी आने वाली जो सरकार बनेगी उनके लिए हम आपसे ये अपील करते हैं, हमारे मोदी साहब जो PM है हम उनसे ये अपील करते हैं, और हम मीडिया के लोगों को वो लोग खरीदना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं सर कि ऐसा कोई मीडिया होगा जो बिक जाता, मगर हम नहीं बिकना चाहते सर। हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बने और कई जो कर्मचारी है उनकी जानों की हिफाजत की जाए। आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसी कार्रवाई कीजिए ताकि आने वाले जो कर्मचारी अधिकारी है वो ऐसे गलत हरकत करने से और भ्रष्टाचार करने से रुक जाए। साप्ताहिक वालों को जो कार्ड नहीं मिले हैं उसकी वजह जिला माहिती अधिकारी के चिलवन साहब है, उनका बोलना यह है कि सर हमें कलेक्टर साहब के आदेश है कि साप्ताहिक वालों को ना दिया जाए, और हम नहीं समझते कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कोई आदेश उनको दिया होगा, मगर जिला माहिती अधिकारी कलेक्टर साहब का नाम यूज़ करके संपादक और पत्रकारों को सता रहे हैं, जिसकी वजह से इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था, मगर कलेक्टर साहब के बोलने के बाद उन्होंने साप्ताहिक वालों को कार्ड दिया। मोजनी पास है, जो किसी को मिले किसी को नहीं मिले, दैनिक वालों को मिले और साप्ताहिक वालों को किसको मिले किसको नहीं मिले, ऐसा भेदभाव आपके मीडिया के साथ क्यों हुआ है सर? सर ये इसका सही जवाब तो मिलिंद जिला माहिती अधिकारी ही दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी मीडिया के साथ तो इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कुछ साप्ते का दे रहे किसी को नहीं दे रहे, ऐसा शासन का कोई GR है तो बताना चाहिए साप्ते का वालों को कि भाई ऑर्डर है आपके लिए नहीं आया कार्ड, ऐसा कुछ आया नहीं, हमारी जानकारी में तो नहीं है कि भाई ऐसा कुछ GR आया होगा मीडिया के लिए,
तो साप्ताहिका वालों को क्यों रोका गया, ये मेरा उनसे सवाल है आपके माध्यम से, दबंग मीडिया के माध्यम से, कि भाई आपने ऐसा क्यों करे हमारे साथ, साप्ताहिका वालों के साथ ऐसा क्यों करेंगे, भेदभाव क्यों करें, आखिर वजह क्या है, क्या क्या बताना चाहते हैं आप हमारे को, ये बताओ क्या भाई हमने क्यों नहीं दिए। और हमारे दबंग मीडिया के जो नियाल अहमद साहब है, इन्होंने जो है तो इसके लिए पिछली बार भी ऑपरेशन लगाया था और उसके माध्यम से हमको कार्ड मिले थे, लेकिन इस बार भी उन्होंने कोशिश करे और वहाँ जाके उन्होंने बताया, उन्होंने हमारा लेटर एक्सेप्ट करे, लेकिन फिर भी कार्ड हमको नहीं दिए, क्यों नहीं दिए ये तो चिलविन साहब ही बता सकते, जिला माहिती कार्यालय से। लोकसभा के अंदर, अब विधानसभा के अंदर फिर उन्होंने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से फिर कलेक्टर साहब का नाम उन्होंने उछाला है और हम लोगों को गुमराह करने के लिए कलेक्टर साहब का नाम बताया है। हमें नहीं लगता कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कोई आदेश दिया होगा और ना शासन ने ऐसा कोई जिया निकाला होगा और ना कोई शासन ने ऐसा कोई आदेश दिया होगा उनको। हम नहीं चाहते कि शासन ऐसा कोई काम कर सकती है कि चौथे स्तंभ को इतना कमज़ोर करने के लिए ऐसा कोई जिया निकाले और कोई ऐसा आदेश दे। हम चाहते, हम शासन को चाहते हैं कि हम अपने पीएम मोदी साहब को ये बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से, दबंग मीडिया के माध्यम से, कि सर चौथे स्तंभ को इंडिया के अंदर ऐसा मजबूत कीजिए, ऐसा मजबूत कीजिए सर कि चौथे स्तंभ को मजबूत करने के बाद यहाँ के जितने भी स्तंभ हैं सही सर सब मजबूत हो जाएंगे, यहाँ की जनता मजबूत होगी, यहाँ के बच्चों का भविष्य मजबूत होगा। अगर आप चौथे स्तंभ को अगर मजबूत करने की थोड़ी सी अगर ठान ले और थोड़ा अगर आप चौथे स्तंभ की तरफ ध्यान दें कि भाई मीडिया के लोगों को, पत्रकारों को क्या क्या सुविधा चाहिए और संपादकों को क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, अगर थोड़ा हमारे मोदी साहब, पीएम साहब जो अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में चौथा स्तंभ ऐसा मजबूत होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और ऐसे जो आपका प्रशासन का नाम बदनाम करते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के पीछे आपकी चौकसी होनी चाहिए और इनके ऊपर आपकी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कोई आप जियार और ऐसा कोई निर्णय लीजिए जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और शासन का नाम बदनाम ना कर सके।